नमस्ते जनता, आप देख रहे हैं शाही भोज और आज अपन बनाने वाले हैं गुड़ और आटे का पैनकेक। ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत इजी है बनाने में और ये बहुत हेल्दी है खाने में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में आधा कप चावल का आटा ले लें। इसके बाद इसमें अपन डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। ये 125 ml का कप है। फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद अपन एक बर्तन में एक कप गुड़ डालेंगे। फिर वही कप से अपन इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। इसको सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है। और ये याद रखिएगा कि गुड़ पिसा हुआ ही लें, क्योंकि वो इजी रहता है मेल्ट होने में। गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसके बाद इसमें अपन डालेंगे जो अपन ने आटा मिक्स किया था वो। धीरे धीरे करके वो आटे को इस गुड़ में डालिए। थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिक्स करते जाइए, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे अपन, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके बाद इसमें अपन डालेंगे एक चुटकी बेकिंग पाउडर और फिर इसमें अपन डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको फिर से अच्छे तरीके से चला के मिला लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद अपन गैस में रखेंगे नॉनस्टिक तवा। आप चाहे तो पैन का यूज भी कर सकते हैं। अब इसको अपन स्लो फ्लेम में थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें अपन थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप इसमें तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। तवा में तेल लगाने के बाद जो अपन ने गुड़ और आटे का बैटर बनाया था वो इसके ऊपर डालेंगे। किसी भी चम्मच या चमची की मदद से वो बैटर को इसके ऊपर डालें, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। बैटर डालने के बाद उसके ऊपर अपन व्हाइट तिली डालने वाले हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। तिली डालने के बाद उसको किसी भी प्लेट या ढक्कन की मदद से उसको ढक दें। 8 से 10 मिनट तक इसको पकने दें। यह अच्छे तरीके से पक चुका है। अब लिड हटा के अपन इसको चेक कर लेंगे एक नाइफ की मदद से। तो नाइफ को इसके अंदर डाल के देखिए, नाइफ बिल्कुल साफ है, तो ये बेक हो चुके हैं। अब इसको अपन पलट के दूसरे साइड से भी एक मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब गैस को ऑफ कर दीजिए और इनको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। और ये आपके गुड़ और आटे के पैनकेक तैयार हैं। अपने फैमिली वालों को सर्व करें। अगर उनको ये पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।